बोला ले पिज्जा तो मिल ये निकाल ना बोलो बेटा बोलो मजदूर और करिश्मा मेरे आए हाथ में तब मैं इनको हमेशा कहता हूँ जो भी है मैं हूँ बस उसमें ही उत्साह बढ़ता है। अगर लगता है कि पीछे कोई है तो आधा तो अपने उसकी ताकत से कर लेते हैं और आधा हमें सपोर्ट करना पड़ता है, हमें समर्थन देना पड़ता है। क्या है क्यों है तो फिर वो लटक जाता है, अरे इसका क्या जवाब है। ये बदनाम में नाम हो यही चाहते हैं और काफ़ी नाम होगा भी, बदनाम होकर ही नाम होता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्यार सर ने प्यार नहीं किया है, प्रेम किया। प्यार का इंग्लिश एलओवी लव होता है, लेकिन प्रेम का कोई भी अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन नहीं है। इसके लिए प्रेम करिए। बदनाम होने की कगार में हूँ, मैंने शुरुआत की है और ये जो गाना मेरा है बदनाम हो गया, यही सोच के मैंने बनाया कि लोगों को बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। नाम शुरू में मैंने डाला बदनाम हो गया, लेकिन उसके अंदर की जब चीज़ें आप सुनेंगे तो कहते हैं ना कि जो वही है नाम वाला जो बदनाम, तो बदनाम। इसलिए ये गाना बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप लोग चाहेंगे आप लोग हमें हीरो बना सकते हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस गाने का? बहुत खूबसूरत रिस्पांस है, बहुत अच्छा, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनली फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। गुड। लौंडा बदनाम हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम से। ये बहुत ही शानदार लिरिक्स है बदनाम हो गया। आप इसको सुनेंगे तो आप इसको गज़ल भी कहेंगे, आप इसको बॉलीवुड कहेंगे, मतलब एक बहुत ही अलग ही सॉन्ग है। इसके लिरिक्स भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है कि जो सदाबहार गाने हैं वो उसी एरा के हैं, तो मैंने कोशिश की है कि धुन को हम वहीं पे आसपास रखें और ट्रीटमेंट आज का भी हो ताकि आज के लोग उसको सुने ताकि वो सदाबहार रहे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाने के बोल बहुत प्यारे हैं, आजकल के जैसे गाने आ रहे हैं उनसे हटकर है, गानों को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा फिल्माया है और दिल से मेरी दुआएं ऊपर वाले की बारगाह में ये गाना लोगों को पसंद आए और ये करिश्मा और प्रकाश जो हैं दुनिया में छा जाएं। और अंदर की बात यह है कि तुम्हारा नाम प्रकाश तिवारी है, एक साला भूतनी का हमारा कंजूस मनमोहन तिवारी है, वो तनख्वाह नहीं दे रही है लेकिन भाई अच्छे से अच्छा गाना पेश करता जा रहा है, तो दिल से दुआ है कि ये जो है बहुत प्यारे से सब में दिलों पर छा जाए, करिश्मा भी छा जाए और ऐसी और गाने आए, लोग खूब सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, मतलब रायता फैला दें। सही पकड़े हैं, कसम खा के कह रही हूँ भैया, बदनाम हो गया गाना जो आया है, इस गाने को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वरना टिल्लू भैया गुर्दे पकड़ के लटकेंगे ना, छील देंगे। सर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट तो देखिए बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हम दोनों का ये पहला मेलेडी है जो हमने साथ में की है, तो मेलेडी जब भी आती है तो अपने आप वो जो एरिया है, वो जो प्रॉस्पेक्ट है किसी भी गाने को लेकर, वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि ठीक है, आप डीजे में चलने वाले गाने, डिस्को में चलने वाले गाने तो बहुत रैंडम बजते हैं, लेकिन मेलेडी को तैयार करना, उसे कंपोज करना, उसमें लिरिक्स डालना, उनके शब्दों का एक अलग मतलब होना और उनकी गायकी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी गाने में। तो हमारा जो कोशिश थी हमारी वो यही थी कि इसको पूरी तरह से हम मेलेडी रखें और ये जब ये सुना जाए तो ये कान और दिल दोनों को पकड़े, लोगों के कान से जाए और दिल में उतरे, तो हमारी ये कोशिश थी। क्या बात, बहुत। और जैसा कि सर ने कहा कि ये कोशिश पूरी हो रही है, कानों को अच्छा लग रहा है, तो हमें लग रहा है कि आप सबके रिव्यू के बाद जो अभी तक हमें मिल रहे हैं कि शायद हम लोग जो प्रोस्पेक्ट लेके चल रहे थे इस गाने को बनाने से लेके, इस गाने को शूट करने से लेकर पूरा एंड तक, वो शायद पूरा हुआ है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये गाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। और मेरा स्टूडियो जो है वर्चुअल प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट है, तो वो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि अभी जैसे देख रहे हैं अभी हम यहाँ ऊटी के खंजर में जाके एक सिमेट्री में शूट कर रहे हैं,
अब इसको एक्चुअल में शूट करने जाए तो मतलब बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो उसकी एक खूबी है कि हम एक ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक ही जगह पे दिन भी बना सकते हैं, रात भी बना सकते हैं, सूरज को आप रोक सकते हैं 6 घंटे का, मतलब सनसेट लगाओ जब तक सर की खूबी नहीं आएगी तब तक हम शूट करते जाएंगे। तो ये फ़ायदा मैं उन्हें देना चाहता था। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि मतलब ये अगर गाना गाने बदनाम हो गया तो ज़रूरी थोड़ी ना कि इस वक्त का हो, ये भी हो सकता है कि पिछले वक्त का हो। अच्छा पिछले वक्त है तो ऐसा करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स है जहाँ पे आखिर में समझ में आए कि वो कुछ और बिट्स हैं, ये कुछ और बिट्स हैं। अब हमने तो इसको ऐसा बनाया था कि सर भूत प्रेत हैं और उनमें से ये जब ये उनसे बातें करते जा रहे उनको लग रहा है कि मतलब ये उनसे बातें कर रही, बट ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी धुन में है, ये अपनी धुन में। आखिर में जब वो उनके पार चल के जाती है तब उनको समझ में आता है कि अरे मैं खुद भूत हूँ। तो ये जो ट्विस्ट है मैंने लास्ट तक रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंटरप्रिटेशन हो वो अलग हो। अली भाई जो देखेंगे उनका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, रविंदर साहब का इंटरप्रिटेशन अलग होगा। तो ये जो एक एम्बिग्युटी है मैं चाहता हूँ, वरना ABCD स्पून फीडिंग सभी लोग करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि ये वर्चुअल प्रोडक्शन तो एक तरीका है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट्स, इतनी खूब खूब की एनवायरनमेंट्स हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, चांद तारे उड़ रहे हैं, आग लग रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सब आप एक 8 घंटे के शिफ्ट में आप दे सकते हो। एक दूसरी चीज़, स्टोरी में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग रखें कि लास्ट में मैट्रिक्स में जैसा देखते हैं या हम लोग, यार यू गोल घूम रहा था, खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, इंसेप्शन में जैसे घूमते ना आप सोचते हैं, क्योंकि उसके वो यहाँ पे भी जा सकता है, वहाँ पे भी जा सकता है, वैसा एक ट्विस्ट देने की कोशिश की इस नाकाम ने। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, बस इतना ही। नहीं, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छे गाने को अगर उसको अच्छा पिक्चराइज होता है तो वो गाने पे 4 चांद लगते हैं, जो कि शेरिन सर ने वो करके बताया, क्योंकि ये गाने की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की है। मुझे लगता है जितना खूबसूरत गाना गाया है, जितना खूबसूरत उसने एक्ट किया है, उतना ही खूबसूरत उसको पिक्चराइज किया, इसलिए वो गाना मतलब अपने स्टैंडर्ड से और ऊपर उठ के आया है। और जहाँ तक टेक्निकल बात वो तो शेरिन सर ने बताई, पर म्यूज़िकली मुझे लगता है कि प्रकाश भाई ने बहुत अच्छा गा, मतलब बहुत सुर में गाया है। जहाँ तक कंपोजिशन की बात है, बहुत ही ऐसे दिल को छूने वाले एकदम। मैं तो पहली बार गाना सुना और मैंने गा दिया, मतलब इससे ज़्यादा कोई गाना कैचिंग, मतलब कैची ट्यून हो ही नहीं सकती, और ऐसे ही गाने वायरल होते हैं। मुझे लगता है कि ये गाना वायरल होगा, बदनाम हो गया और इसी बदनामी से उनका नाम होगा। बहुत अच्छा लगा गाना, वाकई में बहुत अच्छा। शरीन जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, ये तो पता ही नहीं था कि वो जो देख रहा हूँ कि एक करिश्मा आ रही है, करिश्मा राव एक आत्मा दूसरे आत्मा में शामिल हो जाती है, वो तो कमाल का सीक्वेंस है। बदनाम हो गया, इसे वेरी गुड टाइटल, बड़ा अच्छा है। और दो चीज़ें बदनामी होती है, एक अच्छाई में, बुराई में। तो ये अच्छाई में बदनाम हो गया, और दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, प्रकाश तिवारी ने और करिश्मा राव ने। तो कुल मिला के ये कि 2023 का ये हिट सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग। तो दोनों ने मेहनत बड़ी अच्छी की। आपने लोकेशन शरीन जी कमाल है, ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनेट ये है कहाँ का लोकेशन एक्चुअली? यही तो कमाल है सर, ये 518 मोरे एस्टेट पीछे क्या है मेरा स्टूडियो, यही हम ये समझ रहे रियली मैम, मैं यही समझ तो यहाँ से मैंने आपको ऊटी ले गया हूँ, यही तो कमाल है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आउटडोर है या तो जम्मू या कश्मीर, उधर बाहर का है, अंदर ढूंढा है कहाँ पे जाके, मतलब बहुत अच्छा पिक्चराइज किया खंडर मैंने मेरे। मैं सच में कह रही, बार बार उन्हीं की तरफ हाथ सब कही जा रहा है, उसका श्रेय वाकई इनको मिलना चाहिए। मैं खुद सरप्राइज, जब बाद में अभी शरण जी ने बोला ना कि ये मैंने सारा स्टूडियो में, तो मैं यही कह रही थी भाई, मैंने बोला मैं तो सोच रही कैसा खंडर है, मतलब अमेजिंग। आप सोच नहीं सकते कि ये स्टूडियो के अंदर इन्होंने बनाया है और ये गाना वहाँ शूट हुआ है, रियली कह रही, कोई नहीं बोल सकता, आम आदमी को नहीं, आम आदमी को नहीं पता लगेगा, ये आपने बता दिया इसलिए पता भी लग गया। काश आप नहीं बताते, ऐसा इमेजिन करती थी ये जगह, मुझे भी एक बार देखनी चाहिए। लेकिन एनीवे ऑल द बेस्ट, मैं यही कहूँगी करिश्मा और तिवारी जी को, आप शख्सियत, इतने बड़ी शख्सियत आपको इस गाने से मिलेगी, शायद आपने इमेजिन नहीं किया होगा, ये इस साल का आप लोगों का हिट सॉन्ग होगा, ये मैं आपको वर्ड लिख के दे देती हूँ।